सर आपकी एक चैनल है डॉक्टर एजुकेशन, तो इससे आपका विजन क्या है वो हमें पहले बताएं। बेसिकली पेशेंट्स हमारे पास जो आते हैं, वो जो एक बार आ जाता है वो आपको अगर बात करेंगे उनसे तो बताएंगे कि भाई हम टाइम ज़्यादा देते हैं। सो आई ऑलवेज गिव, मतलब बहुत सारा टाइम देते हैं उनको, अच्छे समझाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, कई बार पेशेंट्स को, एक एक पेशेंट को 15 मिनट आधा घंटा लग जाता है। सो प्रॉब्लम इज कि डॉक्टर्स का काम होता है बीमारी को समझाना, और बीमारी क्यों हुई, उस पेशेंट में कैसे हुई, उसको ठीक कैसे करना है। जब तक उसका महत्व नहीं वो पेशेंट समझेगा तब तक वो ठीक नहीं हो पाता, राइट। सो आज के ज़माने में कोई और डॉक्टर इतना टाइम नहीं देते एलोपैथी वाले, तो इसलिए एलोपैथी वाले डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट जो है वो खोती जा रही है। तो इसलिए ये चालू हमने किया था कि हम टाइम बहुत देते थे, और पर उससे इशू आ जाता था फैमिली वालों को कि भाई एक इतना टाइम पेशेंट्स को दोगे तो हमें कब टाइम दोगे। सो फिर उन्होंने, फिर हमारे वीडियो हमने फिर हमने बनाने शुरू करे कि हम पेशेंट्स को वो वीडियो की लिंक दे देते हैं कि आपकी ये बीमारी है, आप ये लिंक देखो, जो हमें आपको आधा घंटा समझाना है वो आप उससे देख लोगे तो आपको समझ जाएगा, और कोई डाउट हो आपको तो फिर वो डाउट आप हमें अगले 4 दिन 5 दिन में हम पूछ लो, है ना। तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो हमने बनाया ये था पेशेंट, हमारा काम आसान करने के लिए, और इसीलिए ये लंबा चला, क्योंकि हम इसको रेगुलरली यूज करते हैं अपने पेशेंट्स को देने के लिए, लिंक्स देने के लिए, ये देने के लिए। और हमारे, या मेरे ही नहीं, इंडिया भर में कई सारे क्लिनिक्स में, कई सारे सेंटर्स में मेरे वीडियोस लगाते हैं, चलाते हैं। कई मेरे दोस्त हैं जो मुझसे पूछते हैं कि क्या हम आपके वीडियोस हमारे वेटिंग रूम में चला चलाओ, बिल्कुल चलाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो द पॉइंट इज दिस हैज बिकम अ एजुकेशनल थिंग। सो जब मैंने चालू किया था तभी मैंने सोचा था कि एक हम हैं क्या, हम एक सिंपल डॉक्टर हैं, तो हमारा एक द बीमारी के ऊपर नॉलेज लिमिटेड हो सकता है, हमारा उस बीमारी के ऊपर नॉलेज या उसके ऊपर का ओपिनियन कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। सो इसीलिए आई हैड टू रिसर्च एंड फाइंड आउट कि भाई ऐसी कोई एक अथॉरिटी हो, ऐसा कोई एक सोर्स हो जो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड हो, तो उस सोर्स के बेसिस पे अगर हम एजुकेशनल वीडियो बनाएं तो वो एक अच्छा वो होगा, जो जिसको कोई ये ना बोल सके कि भाई ये गलत बोल रहा है, समझे। सो दैट्स व्हाई आई रिसर्च एंड आई केम अप विथ, जो हमारा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है यूएस का, जो एक कंसाइज दुनिया भर के रिसर्चेस का निकाल के, निचोड़ निकाल के, मेटा एनालिसिस करके, उसके बेसिस पे उन्होंने अपना एक पब्लिक एजुकेशन का जो उन्होंने मेडलाइन प्लस बनाया, उस मेडलाइन प्लस के ऊपर ही हमारे मोस्ट ऑफ द वीडियोस उसी से रेफरेंस्ड हैं, उसी से बेसिस होते हैं। और अब नए वीडियोस हमारे जो है अप टू डेट, आप पता होगा मेडिकल फील्ड में अप टू डेट होता है .com, वो बेसिकली सबसे ज़्यादा लेटेस्ट नॉलेज वहाँ पे आती है। अब प्रॉब्लम ये है कि दूसरी जो वेबसाइट्स हैं, जैसे मेडस्केप है और दूसरी वाइकीपीडिया है, वो मेडस्केप तो इतनी ज़्यादा मेडिकल है, वो जनरल पब्लिक को समझ में नहीं आएगी। सो हमारा काम ये होता है कि हम उस नॉलेज को लें और उसको ब्रेक डाउन करें और उसे नॉर्मल पब्लिक को समझ आए वैसे प्रेजेंट करें। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। सो इट्स जस्ट, दैट्स व्हाई इट इज सिंप्लीफाइड मेडिकल एक्सप्लेनेशंस, इट्स नॉट रियली समथिंग विच आई एम, यू नो, मैं कोई इजाद नहीं कर रहा हूँ नॉलेज, कोई कुछ नहीं कर रहा, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन अ सिंपल लैंग्वेज। एंड ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि आगे चल के ये एक वीडियो एनसाइक्लोपीडिया जैसा बने, जिसमें लिटरली हर बीमारी का कोई ना कोई वीडियो हो, एविडेंस हो। और इशू यही आ रहा है हमें एक्चुअली, उसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम्स भी आते हैं, क्योंकि लोगों को कॉमन टॉपिक्स पे वीडियो देखना पसंद है, पर रेयर रेयर बीमारियों पे अगर हम वीडियो बनाते हैं तो वो चलते नहीं है। सो ऐसे में फिर यूट्यूब के प्रोटोकॉल्स और उसके एल्गोरिदम के हिसाब से वो चैनल का ही ग्रोथ जो है रुक जाता है। तो इसलिए हमारा चैनल का ग्रोथ उतना नहीं होता जितना दूसरे चैनल का होता है, जो केवल एक ही चीज़ स्किन स्किन स्किन, या केवल एक ही चीज़, क्योंकि वो ग्रोथ अलग है, ये ग्रोथ अलग। तो हमने सोचा कि ठीक है, ग्रोथ लिमिटेड चलेगा, लेकिन लोगों को एक 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 तो ऐसा सोर्स हो जहाँ पे वो भरोसा कर सकते हैं कि भी मुझे या आगे मेरे बच्चों को कोई बीमारी होगी तो मैं कहाँ से समझूं कि कहाँ होगी। मैं डॉक्टर तो समझा नहीं रहा, वो 2 मिनट में लिख के भेज दे रहा। सो दैट्स व्हाट इज द पर्पस। एंड मेरे अलावा दुनिया भर के जितने डॉक्टर्स हैं, हम उनको यही बोलते हैं कि भाई
डोंट थिंक कि आप मुझे बोल रहे हो क्योंकि मैं क्या मेरा नाम बोल रहे हो, बिकॉज आई एम नॉट प्रमोटिंग माई सेल्फ, आई एम जस्ट गिविंग नॉलेज कि भाई ये नॉलेज है आपको यहाँ से लेके हमने एक्सप्लेन करके दिया बस। सो कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े डॉक्टर्स के जो पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं, नहीं समझते वो कि भाई आपको बीमारी का, बट कई डॉक्टर्स हमारा नंबर दे देते हैं कि आप जाओ इनसे बात करो ये समझाएंगे आपको, तो ऐसा भी होता है।